Hello everyone! Welcome back to Manisha Mam's class. नेट में आपका सभी का स्वागत है आज एकदम वेलकम है सभी को गुड आफ्टरनून है मैम की कल ज़रा तबीयत ख़राब थी है ना तो मैम ने आप लोगों के लिए सोचा सरप्राइज़ क्यों ना रखा जाए है ना मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं और मैम के साथ इतना कॉपरेट करा कल थैंक यू सो मच एवरी है ना बहुत प्यारे बच्चे हैं ना तो कल मैम की याद है आप लोगों को तबीयत ख़राब थी उसके बाद मैम ने शाम की क्लासेस भी नहीं ली थी है ना तो मैम ने जैसे तैसे दो बजे वाली ले ली थी उसके बाद मैम उसके बाद नहीं ले पाई थी लेकिन आज मैं वापस से आ गई हूँ एकदम जोरों शोरों से तो सभी को जिन सभी को मेरा बेसब्री से इंतज़ार था उन सभी को मेरा वेलकम है बच्चों सबको वेलकम करती हूँ मैं थैंक यू सो मच बच्चों और एकदम परफेक्ट है आई होप आप लोग भी परफेक्ट हो इन दिनों बच्चों अपना ध्यान रखा करो ठीक है बच्चों तो आप जानते हैं कि मेरा नाम मनीषा और मैं हर रोज की तरह आप लोगों के पास आ जाती हूँ दो बजे चार बजे छः बजे और आज भी आऊँगी ठीक है कल मैम ने कोशिश करी थी कि आ जाए शाम को लेकिन मैम नहीं आ पाई बिल्कुल भी लेकिन आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के पास और आज मैं एक सरप्राइज लेकर आई हूँ आज पता है ठीक है पता है क्या सरप्राइज है आज पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा है ठीक है सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्विज ठीक है तो सोचो ये सरप्राइज था मैंने आप लोगों के लिए जब क्लास रखी थी तो मैंने उसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन राइट तो वो एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा और आप लोगों के लिए मैं मेगा क्विज लेकर आई हूँ ये बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया ठीक है तो ना ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखना है ठीक है ध्यान से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पढ़ना है समझना है फिर आंसर देना है ठीक है पूरी क्लास में बच्चों मैं आप लोगों के साथ क्या मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी डटी रहूँगी जुटी रहूँगी लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में समझाऊँगी भी ठीक है आप लोगों को क्वेश्चन इतने अच्छे से समझना है और ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें ढंग से करना है देखो सबको आता होगा बहुत मेहनत से मैम ने पिछले इतनी क्लासेस में एक एक टॉपिक समझाया है, है ना तो वो टॉपिक अगर अच्छे से समझा है, है है, ठीक पढ़ाई करी है, इतना टाइम लगाया है तो क्यों ना आज जब मौका है तो उसमें अच्छे से अपने आप को क्रॉस चेक किया जाए क्यों ठीक है तो मैं एक बार लिख दूं कि मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना भी तो बनता है क्योंकि कुछ बच्चे मेरे नए हैं जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है थैंक यू मेरे बच्चों और कुछ बच्चे मेरे नए नए होते हैं कुछ पुराने होते हैं जो पुराने बच्चे होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे हैं और बच्चों जो मेरे नए नए बच्चे हैं उन लोगों को तो मैं धीरे धीरे जानूंगी मेरे को समझ आ जाता है कौन नया बच्चा है फिर वो धीरे 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 कैसे पुराना होता जा रहा है ना चलो तो ठीक है मैं आप लोगों को एक बार वापस से इंट्रोडक्शन दे दूं उन्हीं सब बच्चों के लिए एक कुछ बच्चों को तो रट्टा आ चुका होगा क्राम हो चुका होगा कि मैम अरे रोज़ का इंट्रोडक्शन देती है अरे इंट्रोडक्शन देना तो बनता है ना बॉस है ना आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे दुलारे से बच्चों नए बच्चों को भी बताना पड़ता है ठीक है तो मैं हूँ बच्चों मनीषा चौहान मैम ठीक है मुझे आप लोग मनीषा मैम बोल सकते हैं तो बच्चों मनीषा मैम हूँ मैं ठीक है डाउट डाउटनेट के साथ हर रोज़ आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ डटी रहती हूँ आप लोग जैसे मेरे साथ जुड़े रहते हो ठीक है अच्छा बच्चों ठीक है तो मुझे बहुत स्नेह है आप लोगों से स्नेह मतलब क्या होता है बच्चों प्यार है ठीक है तो चलो आप लोगों को भी होना चाहिए चलो ठीक है उसी के साथ मैं बता दूँ कि अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट दो दो बजकर शायद से चार मिनट होने वाले होंगे ठीक है तो मैं आप लोगों को पता है ना दो बजे आ जाती हूँ सिक्स टू ट्वेल्थ की क्लासेस लेने ठीक है छठ छठी से बारहवीं की क्लासेस ठीक है उसके बाद बच्चों मैं क्या हो गया बेटा उदास उदास नहीं होने आज तो मेगा क्विज है आज तो खुश रहना है है ना ठीक है चार बजे भी मैम आती है सिक्स टू एट्थ की क्लास लेने है, मैं आऊँगी आज मैम आज एकदम फुल जोर शोरों से आई है मैम कल नहीं आ पाई थी कोई नहीं बेटा फिर उसके बाद छः बजे है हमारी हिंदी मीडियम की दो और चार बजे वाली तो इंग्लिश मीडियम की है ठीक है और बच्चों ये छः बजे वाली कौन सी है हिंदी मीडियम की है ठीक है बच्चों चलो ओके बेटा जैसे मैम की कल तबीयत तो खराब हो रही थी मेरे बच्चों की आज हो रही है बेटा ध्यान ज़्यादा पढ़ाई करनी है पूरा दिन फ़ोन पे नहीं रहना है ठीक है ज़्यादा पूरा दिन फ़ोन पर रहते हैं ना तो लाइट लगती है स्ट्रेन पड़ता है आंखों में दर्द हो जाता है ठीक है बच्चों पढ़ाई करो फोन थोड़ा दूर से देखो है ना ऐसे करा करो तो चलो फिर आज हमारा लेसन नंबर टेन और उसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे है ना और प्रैक्टिस करते करते मैं आप लोगों के साथ साथ ही साथ में पता है मैंने क्या सोचा बेसिक रूल्स भी बता दूंगी कैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आया क्विज का क्वेश्चन आया तो क्विज क्विज़ करा हमने उसका क्वेश्चन भी समझाया उसी के साथ मैंने आपको फॉर्म भी बता दी कि क्या है क्या, है, क्या नहीं है ठीक है चलो बढ़ते हैं फिर आगे हमारा ये पहला नंबर पहला क्विज है टोटल ना पाँच क्विज है बच्चों बच्चों के बच्चों आज ठीक है वेरी गुड बच्चों वेलकम आप लोगों को ठीक है तो आज टोटल पाँच क्विज है हर एक क्विज में चार चार क्वेश्चन है ठीक है तो मैं चार क्वेश्चन पहले आपको दिखाऊंगी उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी ऐसे ही टोटल पाँच क्विज हो जाएंगे तो बढ़ते हैं जल्दी से मेरे साथ बोलो खुल जा बोलो जल्दी से बोलो जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं करूंगी खुल जा वन टू थ्री खुल जा जल्दी बोलो सिम खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा कोई नहीं बोल है मैं कर रही हूँ चलो कोई नहीं मत बोलो खुल जा सिम सिम ये रहा पहला क्वेश्चन नमस्ते करो चलो वी डैश गो हमारा वर्ब दे रखा है वेरी गुड बेटा वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ वी वेंट वी गोइंग वी गोस नन ऑफ दीज ठीक है बताइए बताइए आंसर बताइए वेरी गुड बेटा करेक्ट आंसर दिया है आपने आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अर्जुन डैश बी हमारा वर्ब दे रखा है अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा अर्जुन एम अर्जुन वॉज अर्जुन वर्ड ऑल ऑफ दताओ जल्दी से बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या है गलत आंसर नहीं दे बच्चो आज करेक्ट आंसर दो हलो बच्चो वेरी गुड वेरी गुड आते हो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही नेव ड वर्ब दे रखा है टू फाइट ब्रदर दुर्योधन। ही ही नेवर नेवर ही नेवर। दो बार वॉन्ट्स आ रखा है नन ऑफ दीज ये तो बहुत बढ़िया है बहुत ईजी हो गया जल्दी से बताइए ए और सी सेम है बी अलग है डी अलग है, है बता दो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये चौथा क्वेश्चन है द महाभारत डैश राइट वर्ब दे रखा है बाय वेद व्यास जी द महाभार द महाभारत इज राइट द महाभारत वाज़ रिटन द महाभारत रोट द महाभारत राइट गलत आंसर मत दो पिटोगे तुम लोग मुझसे बच्चों <laughs> मेरे प्यारे 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 बच्चों जल्दी से करेक्ट आंसर दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत करेक्ट आंसर चलो हो गया तो आते हैं उसी के साथ एक्सप्लेनेशन टाइम पर ये चलो चले चलो ये रहा पहला क्वेश्चन अरवीर डुहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ ठीक है अब वी कहाँ गए थे वो गुवाहाटी गए थे पिछले महीने गए थे ठीक है तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया ये हमारा पास्ट में हो गया तो यहाँ पर ये यह क्या आना चाहिए बाय राजधानी लास्ट मंथ गए थे तो वेंट करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन <laughs> नंबर बी वर्ब दे रखा है हमारा, ठीक है टू बी वर्ब गुड बच्चों सबके करेक्ट आंसर है चारों। बी ए गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा अर्जुन ना जो थे वो क्या लॉर्ड फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा के अच्छे फ्रेंड थे ना वेरी गुड वेरी गुड एम नहीं होगा आई के साथ आता है Were प्लूरल के साथ आता है जुन सिंगुलर है ठीक है Was करेक्ट आंसर होगा ठीक है ऑल ऑफ गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर is द करेक्ट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया ही never डैश हमारा वर्ब दे रखा है टू फाइट विद ब्रदर दुर्योधना ठीक है वो अपने भाई के साथ कभी भी लड़ना नहीं चाहता था ही नेवर वॉन्ट ठीक है वो हमारा वर्ब दे रखा है ठीक है ही वेरी गुड बच्चे ही नेवर वॉन्ट ए और सी कर सेम ऑप्शन है गलत हो जाएगा ठीक है अच्छा वो क्या है वो कभी नहीं चाहता था किससे लड़ना अपने भाई दुर्योधन से ठीक है तो हमारा पास्ट में है ना तो नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नम बी 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 बल्ला बल्ला बल्ले, बल्ले, बल्ले। <laughs> ओ बल्ला 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 बल्ले, बल्ले, बल्ले। <laughs> चलो बढ़ते आगे ठीक है तो महाभारत डैश राइट verb दे रखा है बाय विद व्यास जी तो महाभारत किसने लिखी थी जल्दी से बताइए किसने लिखी थी वेद व्यास जी ने ठीक है समझ आया चलो अरे वाह बढ़िया 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 बढ़िया। चलो इज राइट तो नहीं आएगा हम जब कंटीन्यूअस में बात करते हैं तो हमारी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी भी आता है लेकिन हमारा ये क्या है हमारा कॉन्टिनस में थ है ही नहीं वो अभी तक थोड़े लिख रहे हैं हम्म और ये हमारा इसके साथ मेन वर्ब रखी है ये भी गलत हो जाएगा ठीक है रोट हमारा पास्ट में आता है राइट्स हमारा सिंपल प्रे, प्रेजेंट में आता है है ना और वॉज रिटर्न करेक्ट हो जाएगा पास्ट की बात कर रहे हैं वॉज आना चाहिए ना जल्दी करो मैम अरे बच्चों समझाना भी तो है ना प्यारे बच्चों मेरे तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी बिना समझाए थोड़ी आगे बढ़ेंगे है ना समझाना जरूरी है हु? अब आप बोलोगे है मैम इसलिए हम्म अच्छा वाह भाई वाह वाह भाई वाह। वा. मतलब आप इतना आगे पहुंच गए हो कि पैसिव वॉइस तक पहुंच चुके हो हैं। तो तो आप टेंसेस पर ही कुछ बच्चे पास वॉइस वो इस तक आ चुके हैं वेरी गुड इसका मतलब मुझसे भी आगे चल रहे हैं चलो अच्छी बात है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चलो आगे बढ़ते हैं फिर उसी के साथ हमारे तो हमारे क्विज वन का ना तो क्विज वन के क्या आंसर थे मैं बता दूं क्विज वन के यहाँ पर लिख देती हूं ए बी 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 ये तीन आंसर थे पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का ठीक है अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारे आते हैं सेकंड क्विज पर ठीक है ओए क्या मैम को एक्सप्लेन भी करना होता है ओके पढ़ाना पड़ेगा बातों के साथ <laughs> मैम एक्सप्लेन नहीं करेगी क्या चलो आते हैं उसी के साथ सेकंड क्विज पर सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से मेरे साथ बोलिए खुल जाम पहला क्वेश्चन आ गया ही डैश लिव हमारा वर्ब दे रखा है इन द यूएसए सिंस लास्ट फाइव ईयर्स ही इज लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट फाइव ईयर्स ही हैज बीन लिविंग ड बींग नन ऑफ दीज बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर तो बताओ ये मेरा क्वेस्टू है ना वो कहा रह रहा है यूएसए में रह रहा है कब से रह रहा है पिछले पांच साल से आते हो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर द गवर्नमेंट डैश डिसाइड वर्ब है टू प्रोवाइड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर समलेक्ट और रेस्ट प्रोड्यूस हैज बीन ठीक है द लाइन्स ऑफ वीट एंड पैटी पढ़ो और करो करो नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें जल्दी से बोलो नेक्स्ट आ जाए Karey, kya next? European cities and in the surrounding countries. Hmm. European cities and in the surrounding countryside, and dash found that birds with relatively large brains, such as crows and magpies. बताओ यहां पर एंड हटा दो ठीक है यूरोपियन सिटीज इन द सराउंडिंग कंट्री साइड फाउंडेड क्या आना चाहिए चलो यहां से एंड हटा दिया है मैम ने ठीक है नेक्स्ट वाई डैश यू ब्रेक योर प्रोमिस वाई व्हाई डिड वाई इज आई वाज वेरी गुड बच्चों सभी के आंसर अगर आपके कर सकते आंसर्स हैं सारे हम्म समझा रही हूँ बच्चों एक एक को समझा टाइम होने दो, हो गया टाइम आते हैं उसी के साथ एक्सप्लेनेशन टाइम पर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? ही-डैश लिव हमारा वर्ब दे रखा है, ठीक है? ये ध्यान रखो, एक रंग हो गया, कोई नहीं बचा। ही-डैश लिव वर्ब हो गया, इन द यूएसए, सिंस लास्ट फाइव ईयर्स। समझा रही हैं मैम? अब वो क्या बोला है इन्होंने कि वो यूएसए में रह रहा है और अभी भी रह रहा है वो पास्ट में भी रह रहा था मतलब पिछले पांच साल से रह रहा था और अभी भी रह रहा है और शायद से आगे कंटिन्यू भी करें हमें अब ऐसा लग रहा है क्योंकि तो उन्होंने ये नहीं बोला ना कि वो रह रहा था वो क्या बोल रहे हैं वो रह रहा है यूएसए में पिछले पांच साल से मतलब अभी प्रेजेंट में भी रह रहे तो इस लिविंग तो नहीं आएगा पास्ट से शुरू हुआ हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो नहीं आएगा तो क्या आएगा ही हैड बींग बी तो आना ही नहीं चाहिए गलत हो जाएगा क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर बी लिविंग कि वो रह रहा है हम्म वेरी गुड चलो तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी हम्म वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी आएगा ठीक है समझ आ गया चलो आगे बढ़े आप अच्छे से समझ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट डैश अब डिसाइड हमारा वर्ब दे रखा है दस नहीं आएगा उधर गलत बोल रहे हो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करें सेकंड समझाती हूँ द गवर्नमेंट डैश टू प्रोवाइड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम चलो तो जो गवर्नमेंट ने है उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया उन्होंने डिसाइड कर लिया एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ठीक है थैंक यू मेरा बच्चा ठीक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है कुछ सेलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ठीक है किस पर और वो भी कौन सी वीट एंड पैडी पर तो डिसाइड कर लिया ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो हैव डिसाइड आ जाएगा हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है है ना ये गलत हो जाएगा डिसाइड hmm, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म hmm, गलत हो जाएगा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड ठीक है डी ऑल ऑफ द बफ गलत करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है समझे? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा आज इसीलिए क्वेश्चन लेकर आई है मैम आप लोगों के लिए आते हैं आगे चलो यूरोपियन सिटीज एंड इन द सराउंडिंग कंट्री साइड ठीक है मैंने एंड हटवा दिया था ना इसका क्वेश्चन में से हटवा दिया था ठीक है बताया था आपको कैसे समझ नहीं आ रहे बच्चों आप लोगों ने आगे की क्लास ली थी पिछली सारी क्लासेस अगर सारी क्लासेस ले रखी होगी तो ये समझ आ जाएगा बेटा ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं क्योंकि यूरोपियन सिटीज़ एंड इन द कंट्री साइड जो यूरोपियन सिटीज़ हैं ठीक है यूरोप हमारी कंट्री है उधर यूरोपियन जो सिटीज़ हैं और उनके साथ जो कंट्री साइड सराउंडिंग कंट्री साइड्स हैं ठीक है उन्होंने ये देखा है हम्म ठीक है उन्होंने ये समझा है उन्होंने ये जाना है फाउंड किया है ये कि जो बर्ड्स हैं जिनके बड़े ब्रेन होते हैं हम्म जो बर्ड्स होते हैं ना उनके भी ब्रेन कैसे होते हैं क्राउज और मैगपाईस की तरह जिनके ब्रेन बड़े-बड़े होते हैं दिमाग बेटा ठीक <arriv été Overall> है तो यूरोपियन कंट्रीज एंड इन द कांट सराउंडिंग कंट्रीसाइड बताइए क्या होगा इसका होगा हैव फाउंड नो फाउंड बताओ क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ यूरोपियन सिटीज एंड इन द सराउंडिंग कंट्री साइड है ना ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों एक सेकेंड हाँ ठीक है तो ये होगा हैज फाउंड तो नहीं आएगा ठीक है अब क्यों की अब देखो मैम ने ये गलती से गलत कर दिया ए सुनो ए गलती से गलत कर दिया देखो क्यों लाइव क्लास ये तो चल रहा है सुनो तो जो यूरोपियन कंट्रीज है और साथ में सराउंडिंग वो है कंट्री साइड तो हम हैड फाउंडेड तो कभी नहीं आएगा ठीक है ये गलत हो जाएगा फाउंड भी क्या होगा हमारा हैव फाउंड प्लूरल में बात कर रहे हैं ना यूरोपियन सिटीज और कंट्री ने ये जाना है कि जो बर्ड्स होती हैं उनका ब्रेन बड़ा होता है जैसे कि हमारी काउज और मैकपाइज ठीक है तो उन्होंने ये जाना है दे हैव फाउंड ओके तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है सी आएगा शायद नहीं नहीं आएगा हैड के साथ हमारा बताओ जब हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था ठीक है उसमें हमने बोला था हैड के साथ वो क्या आएगा हमारा तो हैड फाउंडेड इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं क्या है सुनो रीजन दूंगी मैं आपको जो क्यों बोल रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस समझना है सेंटेंस समझना है कि बच्चे काओ नहीं देखी कभी ये आपका होमवर्क है आपको काओ खुद पता करनी है गूगल करना काओ क्या होती है हुँ? बताओ काव पता होना चाहिए बच्चों हु? और मैंने काओ नहीं लिखा है मैंने क्रो लिखा है ठीक है यहाँ पर क्रो लिखा है क्रो पता है आपको ब्लैक कलर का होता है कौआ टाइप्स टाइप्स क्या कौआ ही होता है और काओ आपको पता होनी चाहिए जो आप मिल्क पीते हैं वो किसका पीते हैं चलो हाँ, तो यूरोपियन सिटीज में जो यूरोपियन सिटीज है साथ में कंट्री साइड है तो ये अब बताओ प्लूरल हो हैं हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं उन लोगों ने ये देखा जाना है कि जो बर्ड्स होते हैं ठीक है हम पास्ट में बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने तो देखा है ठीक है उन्होंने ये देखा है अब दिख रहा है दिख रही हूं मैम तो उन्होंने ये क्या देखा है उन्होंने ये जाना है दे हैव फाउंड दे हैव फाउंड दैट वो जो ब्रेन है बर्ड्स का वो रिलेटिवली लार्ज है जैसे क्रा क्रोज मैकपाइस ठीक है समझ आ गया चलो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा जैसे आपने आंसर दिया होगा ना ठीक है अगर आपने गलत दिया होगा तो रेड आ जाएगा अगर करेक्ट दे रखा होगा तो वो ग्रीन जो करेक्ट हो आंसर होता है ना उस पर वो ग्रीन मार्क हो जाता है पूरा जो भी ऑप्शन होता है ठीक है जैसे बच्चे स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं ना चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर व्हाई डैश यू ब्रेक योर प्रॉमिस तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा था तो, तो ये हमारा डू वाली वर्ब है है ना टू डू वाली तो डज नहीं आएगा डिड आएगा यहाँ पर ठीक है तो करेक्ट का आंसर क्या होगा व्हाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस वाई डिड यू ब्रेक योर प्रोमिस इज भी नहीं आएगा वोस भी नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वाई डिड यू ब्रेक योर प्रोमिस बिल्कुल बढ़िया समझ आ गया ठीक है ओके okay. बढ़े आगे चलो क्विज़ नंबर थ्री पर चलते हैं तो क्विज़ नंबर टू के करेक्ट आंसर्स क्या थे ए बी रुको बी सी ए लिख देते हैं बी c a b ठीक है एक क्विज टू के आंसर्स थे ओके हैं, थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं ना दुबेना मैम को भी बता दूंगी चलो पढ़ते हैं क्विज नंबर थ्री के पहले क्वेश्चन पर आ गया है आई लिंक डैश टू मैन हाटन इन इन नाइनटीन नाइनटी सेवन चलो 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 बातें कम पढ़ाई करो बातें कम पढ़ाई चालू आई लिंक नाम है ये डैश टू मैन हाटन जगह है इन नाइनटीन नाइनटी सेवन हैज ट्रांसफर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड वॉज ट्रांसफर्ड इज ट्रांसफर्ड next choose the correct statement he sweared that he had not stolen the bag hmm. he swore he swore ki that he had not stolen the bag he swore that he had not stolen the bag he was swearing that he had not stolen the bag yeah find none of these करो होम टाउन थ्री ईयर्स अगो जब मैं अपने टाउन वापस गया था तीन साल पहले थ्री ईयर्स अगो आई फाउंड दट लॉट ऑफ चेंजेस एट टेकन प्लेस बताओ बच्चों पढ़ाई करो यार नहीं फोर्थ नहीं होगा नींद क्यों आ रही है आपको बेटा बड़े नेक्स्ट पर cases, इन विच ऑफ दीज केसेस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज नॉट यूज इनमें से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसमें यूज नहीं हुआ है for an action going on at the time of speaking. for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. see for an action that is planned to take place in the near future. for an action which begins sometime in the past. Still gone. Hmm. Chalo. हो गया करते हैं आगे हम्म एक सेकेंड बच्चों एक सेकेंड बच्चों आई लिंग ये हमारा क्वेश्चन वन है ना आई लिंग नाम है डैश टू मैन इन 1997, हम्म, hmm? तो अब हमारा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड होगा आई लिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अच्छा बेटा कल मैंने इसलिए नहीं ली शायद से आप कल दो बजे आए नहीं होंगे मैम की कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी आपको पता है चलो हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आएगा should be transferred should be तो कहीं से नहीं आ जाएगा इस भी नहीं आएगा अब वो आना चाहिए यहाँ पर वॉज ठीक है आई लिंक डैश टू मैनहेटन इन नाइनटीन नाइनटी सेवन आई लिंक वॉज ट्रांसफर्ड आई लिंक कहाँ पर ट्रांसफर हो गया था नाइनटीन नाइनटी सेवन में मैनहेटन uh, तो क्या होगा ही वॉज ट्रांसफर्ड ही वॉज ट्रांसफर्ड या फिर नाउन लगा दो सब्जेक्ट के बदल में नाम रख दो प्रोनाउन लगा दो तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ही हिस्वीअर्ड मतलब कसम है ना नर्ड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैगर्ड नहीं होता है पहली बात तो उसने कसम खाई कि उसने बैग चोरी नहीं किया था क्वेश्चन hmm? है ना ये वो कसम खा रहा था। Continence में तो है नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो है नहीं है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका ठीक है मेरा बच्चा। तभी मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे मैंने बा, वेंट बैक टू माई होम टाउन थ्री ईयर्स अगो जब मैं अपने घर गया था तीन साल पहले ठीक है जब मैं अपने घर गया था तीन साल पहले मैंने देखा था आई फाउंड आउट दैट मैनी चेंजेस है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हैट टेकन प्लेस हाँ पास्ट में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस uh, हो चुके थे हैट टेकन प्लेस बढ़िया हैव टेकन प्लेस गलत आ जाएगा प्रेजेंट में बात नहीं कर रहे हैं आर टेकन प्लेस गलत हो जाएगा वर्ड टेकन प्लेस प्लूरल किलोते गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ दिस केसेज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूसटेंस इज नॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन यूज नहीं कन्फ्यूज मत होना लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूसटेंस इन तीनों चारों ऑप्शन में से नहीं यूज़ होता किस में फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है इसमें तो ये गलत हो जाएगा फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच नॉट विच नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये भी होता है हम जब बात कर रहे होते हैं एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन द न्यू फ्यूचर ये सब पढ़ा है हमने पता है ना आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सारे रूल पढ़े हैं ये भी गलत हो तो जाएगा ये भी गलत हो एक्शन विच बिगेन समटाइम द पास्ट अब पास्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कर रहे हैं तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डीज करेक्ट आंसर ठीक है इतना समझ आया चलो बहुत बढ़िया उसी के साथ आते हैं बच्चों हम लोग हमारे फोर्थ क्विज पर ठीक है फोर्थ क्विज पे चलते हैं जल्दी से हमारे फोर्थ क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा चलो पहला क्वेश्चन देखो फोर्थ क्विज का फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट टेंस फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट टेंस आई मेट रूचि इन नागपुर यस्टरडे रुचि से मिला था नागपुर में कल आई डैश हर अ वीक बिफोर आई सॉ हर अ वीक बिफोर आई हैडीन बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चों टोटल पांच क्विज हैं। हम फोर्थ क्विज पर आ गए हैं ठीक है Now, आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर कार उस देखो उस इंसान को ठीक है कौन दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर कार ठीक है वो आपकी कार का गेट खोलेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दैट मैन ट्राई ठीक है ये हमारे प्रेजेंट टेंस की मतलब मेन वर्ब दे रखा है नो एस सी एस क्या है ये ट्राइंग तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस के लिए होता है ट्राइज हमारा इस भी आ रखा है और हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और फर्स्ट फॉर्म की हमारे एस सी एस भी लग रखा है ऑल ऑफ दी अब बताओ जल्दी से कब वेरी गुड बच्चों करेक्ट आंसर है ये तो बहुत बढ़िया आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो The River Thames dash through London The River Thames dash through London flow flowing flows none of these Now jaldi se the river thames dash through london flow flowing flows jaldi se batao. very good beta very good jaldi 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 batao. बहुत इच्छा है मैम की आप सबसे मिलने की जल्दी से मिलेंगे हम लोग वेरी गुड करेक्ट आंसर है बेटा तीन बजे मैम की कोई क्लास ही नहीं होती हो गया एक और क्वेश्चन है यार बच्चों इट डैश जस्ट बिफोर द वॉर व्हेन कॉलिन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम जर्मनी It is just before. It I am just before. It are just before. It was just before. कर लिया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सब हो गए हैं क्या चलो ठीक है बढ़ते हैं फिर आगे एक्सप्लेनेशन टाइम पर चलो ठीक है हम्म ठीक है ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स विद पास परफेक्ट टेंस पास परफेक्ट टेंस भरना था मैं रुचि से नागपुर में मिला अच्छा पास परफेक्ट टेंस में क्या होता है पता है ना आपको अब इसमें क्या आना चाहिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में तो हैड आना चाहिए याद है जब भी परफेक्ट टेंस आ जाए और अगर पास्ट में हो तो हैड आ जाएगा यहाँ पर देखो वॉसिंग गलत सो गलत हैड सीन हैड बीन सीन तो नहीं होगा इसमें वर्ब के साथ आई एन जी लगी हुई है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड बेटा बढ़िया सभी के करेक्ट आंसर सब बोल रहे हैं मेरा करेक्ट आंसर तो झूठ तो नहीं बोलते हो नहीं मुझे पता है झूठ नहीं बोलते मेरे इतने प्यारे अच्छे बच्चे हैं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द रिवर एम्स डैश कहाँ से जाती है फ्लोस ठीक है फ्लो और फ्लोइंग ऑफ दीज गलत हो जाएगा तो ऑप्शन वेरी गुड सी इज द करेक्ट आंसर हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर इट इज जस्ट इट इज आना चाहिए क्या या इट वॉज आना चाहिए हुँ. बताओ कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है ना वेल पास well, की बात करे ना कि इट वॉज जस्ट भी कल ही तो हमने पढ़ा था इट वॉज बिफोर दैन कॉल इन रिसीवर फ्रॉम जर्मनी तो करेक्ट आंसर इट इज नहीं आएगा उसे लेटर मिला था ना वॉर से पहले तो so, अभी की बात थोड़ी हो रही है so, तो वॉज आएगा समझे यही तो चीजें ध्यान देनी होती है ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए तो होते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डीज दी करेक्ट आंसर बहुत प्यारे बच्चे हैं आ जाओ हमारे लास्ट क्वेश्चन पर क्वेस्ट नंबर फाइव पर First question: Aaplu ka sam ne Students dashed to each other when the director wanted them to help him. Students were stalked, students were talking, students have talked, students talk. Batao हो रहा है मेरा बच्चा स्टूडेंट्स डैश टू ईट टूचर डायरेक्टर वॉन्टेड स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे एक दूसरे से जब डायरेक्टर उनकी हेल्प करना चाहते थे नेक्स्ट वेन ही डैश अ स्कूल बॉय इन ओहियो जब वो एक स्कूल बॉय था ओहियो में Jeffrey got wounded falcon in the roof. तो उसको छत पर ना एक फाल्कन बर्ड मिली थी जो घायल हुई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे तो सब दिखाई दे रहा है हाँ ठीक है ये बच फर्स्ट का करेक्ट आंसर है हाँ बढ़िया लेकिन क्या होता हो आते हैं नेक्स्ट बात चलो वी डैश योर साइज एट द मोमेंट बट वी कैन ऑर्डर इट फॉर यू नहीं गलत दिया आपने वी डैश योर साइज एट द मोमेंट बट वी कैन ऑर्डर इट फॉर यू वी हैव एंट हैड वी डेंट हैट हैव योर साइज एट द मोमेंट इस वक्त तो आपका साइज नहीं है We can order you can have a kill Oh, but though Childy say next, we dash for Alexandria for a holiday tomorrow morning. हम लोग अलेक्जेंड्रिया के लिए कल निकल रहे हैं वी आर लिविंग वी लीव वी लेफ्टीस ये तो बहुत ईजी है यार बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया से चलो हो गया है आते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पर स्टूडेंट्स ठीक है बातें कर रहे थे एक दूसरे से जब डायरेक्टर उनकी हेल्प करना चाहते थे देवर टॉकिंग ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग टू इच अदर ठीक है देखो व्हेन ही वाज़ स्कूल बॉय जब वो एक स्कूल जब वो स्कूल बॉय था जब वो स्कूल बॉय था ओ में तो उसने देखा था एक फैल्कन रूफ पर वोडेड घायल पड़ी है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वी डैश योर साइज अभी तो हमारे पास तुम्हारा साइज नहीं है अगर आप बोलोगे तो ऑर्डर कर देंगे वो जूते हो चाहे पता वो कपड़े हो चाहे पता क्या हो ठीक है तो वी डोंट है ऑप्शन टूमोरो मॉर्निंग हम लोग निकल रहे हैं अलेक्जेंड्रिया के लिए वाओ हम तो गोवा मनाली नैनीताल के लिए भी निकल सकते कोविड इतना है बड़ा मैम का पढ़ाना फैशन है चलो पता है ना आप लोगों को समझाऊं। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर ओके चलो बच्चों तो आज के लिए क्लास बहुत है खत्म करें अबे मैम 45 मिनट्स हो गए हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते <laughs> कोई नहीं एक रॉन्ग भी हो गया तो क्या हो गया सभी के लिए क्लैपिंग क्या कोशिश करनी चाहिए कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है थैंक यू सो मच बच्चों आज मैं आऊंगी वैसे भी मैम एकदम तंदुरुस्त दुरुस्त है आएंगे से आएंगे चार और छः बजे अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना ठीक है और आज मैं चाहती हूँ बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे बीच में तो नहीं गए तो एक, -एक चीज सब दिखती है मैम चलो <laughs> जा रही हूं मैं चार बजे मिलूंगी अपना ध्यान रखना दो तो मिनट लगाना क्वेश्चन जिन, जिनके जो जो गलत हो गए ना एक बार देखने के लिए ठीक है समझना